सब्सक्राइब कीजिए नवरत्न रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना गुप्ता नवरत्न रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत का मतलब होता है पांच वस्तुओं से बनने वाला अमृत। पंचामृत का सही तरीका क्या होता है, आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। बहुत से लोग चरणामृत और पंचामृत को एक ही समझते हैं, मगर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इनमें क्या फर्क है ये जानने के लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल जी के लिए पंचामृत बनाना। पंचामृत बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक चम्मच गाय का घी, इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे, और दो चम्मच मैंने ये शहद लिया है। इसकी क्वांटिटी इस तरह से होती है, जितना हम घी लेंगे उसका डबल शहद लिया जाता है, और ये मैंने जितना शहद लिया था दो चम्मच उसका डबल बूरा ले लिया है, यानी कि चार चम्मच हमने बूरा डाल लिया है। और अब इसमें हम जितना बूरा लेंगे उसका डबल दही डालेंगे, यानी कि हमने ये आठ चम्मच दही ले लिया है, और जितना हमने दही लिया है उसका डबल हम दूध लेंगे, यानी कि ये मैंने 16 चम्मच दूध ले लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय याद रखिए कि इसमें दही के लम्स बने रहने चाहिए, बिल्कुल वो खत्म नहीं होने चाहिए। पंचामृत में दही के जो थोड़े थोड़े टुकड़े आते हैं वो उसमें बने रहने चाहिए, और यही सही टेक्सचर होता है पंचामृत का। मैंने इसमें गाय का ही दूध लिया है और गाय का ही दही लिया है। गाय का ही दूध लेकर ट्रेडिशनल तरीके से पंचामृत बनाया जाता है। आप चाहे कोई भी दूध ले लीजिए, मैं आपको ये ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ इसका। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी, मखाने, काजू लिए हैं मैंने थोड़े से, वो डाल दूंगी मैं इसमें। गरीक लिए मैंने जिसे टुकड़ों में काट लिया है वो डाल दूंगी, और ये बादाम लिए हैं मैंने, बादाम भी इसमें डाल दूंगी मैं। और अब इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर चीनी नहीं डाली जाती है, चीनी की जगह हम इसमें बूरा यूज करते हैं। बहुत से लोग इसमें चीनी डाल देते हैं लेकिन वो सही तरीका नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पंचामृत और चरणामृत में क्या फर्क है। पंचामृत से जब भगवान को स्नान कराया जाता है तभी भगवान के ऊपर तुलसा जी और गंगा जल भी चढ़ाए जाते हैं, और यही दोनों चीजें पंचामृत में मिलकर उसको चरणामृत बना देती है। तो फ्रेंड्स, यही फर्क है चरणामृत और पंचामृत में। पंचामृत याद रखिए सिर्फ पांच चीजों से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पंचामृत है। और जब हम इसके अंदर गंगा जल और तुलसा जी मिला देते हैं तो ये चरणामृत हो जाता है। और अब मैं इसमें मिला दूंगी ये थोड़ा सा गंगा जल, और इसमें हम मिला देंगे ये तुलसा जी के पत्ते। तुलसा जी के हम इसमें 11 पत्ते मिला रहे हैं। और एक बात और याद रखिए, तुलसा जी को हम जब भी यूज करेंगे, तुलसा जी हमेशा नीचे की तरफ से तोड़ी जाती है, कभी उसके ऊपर के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। और दूसरा, तुलसा जी को कभी नाखून लगाकर नहीं तोड़ना चाहिए और रात में भी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका चरणामृत और पंचामृत बनाने का। हमारा चरणामृत और पंचामृत बनकर तैयार है। आप मेरे वीडियोस को जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, और मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक, एंड फॉलो नवरत्न रसोई ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।